हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसके साथ रिलेटेड है। इसमें हम प्राइड एंड प्रेजुडिस की एक्सप्लेनेशन करेंगे चैप्टर वाइज। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, साथ साथ में मैं इनकी डिटेल भी बताती चाहूंगी। एंड ये इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, तो प्लीज स्टे ट्यून टिल दी एंड और स्किप मत करना। स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, उससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। स्टार्टिंग लाइन, सबसे पहली लाइन जो है इस वीडियो की, इस चैप्टर की, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये अक्सर पूछा जाता है कि ये लाइन किस नॉवेल्स में लिखी गई है। That the starting line is, it is truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife, right? और ये बहुत ही important line है, ये please आप jot down कर लीजिए। Chapter 1 जो है, that is a conversation between Mrs. and Mr. Binet. ठीक है, जो मिसेस बिनेट होती है उसको पता लगता है कि एक एलिजिबल बैचलर जो है वो नेदरफील्ड पार्क में आया है। उसका नाम है मिस्टर बिंगले, और वो कौन है? अ यंग सिंगल मैन एंड हु हैज अ गुड फॉर्चून फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। शी होप्स दैट शी विल मैरी, ही विल मैरी, दैट बिंगले विल मैरी वन ऑफ हर डॉटर। उनमें से, क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, जो मदर फादर या फैमिली होती थी उनका मेन एजेंडा यही होता था कि उनके जो डॉटर्स हैं वो अच्छे घराने में मैरिज हो जाए उनकी। और जैसे मैंने बताया था कि मिसेस बिनेट की 5 डॉटर्स थी, तो उसके मन में ये हमेशा रहता था कि उनकी अच्छी जगह शादी हो जाए। तो अब जब मिस्टर बिंगले आए हैं तो उनको लगता है कि शायद मेरी एक बेटी से उनकी मैरिज हो जाए। ठीक है, तो वो क्या करती है, मिस्टर बिनेट को बोलती है कि तुम उनको जाकर मिलो। ठीक है, मिस्टर बिनेट पहले तो रिजिस्ट करते हैं, ठीक है, फिर मान जाते हैं। शी पुट इन अ गुड वर्ड फॉर हिज लेजी हु इज नॉट एज सिली एज इग्नोरेंट एज अ अदर सिस्टर। उसको लगता है कि चलो एक बेटी की हो जाए उनके साथ शादी। मिस्टर बिनेट वॉक्स एट हिज अब्यूजिंग हिज चिल्ड्रन सो क्लेमिंग ही हैज नो कंपैशन फॉर हिज नर्व। ही क्लेम्स टू कंट्रेरी ही हर नर्व्स आर एज हिज ओल्ड फ्रेंड्स दीज 20 ईयर्स। मतलब वो एक छोटी सी जो कन्वर्सेशन है उसके बारे में बता रहे हैं, एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं, राइट। ही डज नॉट नो हाउ शी सफर। मिस्टर बिनेट वॉज सच एन ऑड मिक्सचर ऑफ सरकास्टिक ह्यूमर एंड कैपराइज दैट हिज वाइफ डिड नॉट अंडरस्टैंड इवन 23 ईयर्स ऑफ मैरिज। मतलब उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। She was a woman of mean understanding, little information and uncertain temper. The business of her life was to get her daughters married. Its solace was visiting and news. मतलब उसका एक ही मकसद था कि उसकी जो डॉटर है उनकी मैरिज हो जाए। चैप्टर 2, जो मिस्टर बिनेट हैं वो भी चाहते हैं, ही ऑल्सो क्रेव्ड टू विजिट मिस्टर बिंगले फ्रॉम बिंगले, बट वो अपनी फैमिली को ये चीज नहीं बताते। ठीक है, मिसेस बिनेट लेमेंट देयर नॉट बीइंग एबल टू कॉल ऑन बिंगले एंड दैट शी मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड टू हिम एट द असेंबलीज बाय द नेबर मिस्टर लॉन्ग। शी प्रोक्लेम्स शी इज सिक ऑफ मिस्टर बिंगले। Mr. Bennett says he is sorry to hear that because it could save him from the trouble of a visit to him that very morning. Now they cannot escape the acquaintance. His family is astonished and Mrs. Bingley's ecstasy. She claims the credit in persuading him. She praises his excellence to her daughter. Now they began to ponder as when Mr. Bingley would return the visit. Actually, she wishes to invite him to the dinner. Chapter 3. Mr. Bennet, along with her daughters, learn about Mr. Bingley from their neighbor Lady Lucas. अब जो Lady Lucas है उससे उनको पता लगता है what kind of a personality is Mr. Bingley. वो उसको बताती है कि वो एक यंग वंडरफुल हैंडसम मैन है जो बिंगले है। ही इज अटेंडिंग, एक और न्यूज देती है दैट दे आर ही इज अटेंडिंग द नेक्स्ट असेंबली विद अ लार्ज पार्टी। बहुत अच्छी पार्टी वो
थ्रो कर रहे हैं. तो एक कोटेशन आती है वहां पर, टू बी फॉन्ड ऑफ डांसिंग वॉज अ सर्टन स्टेप टूवर्ड फॉलिंग इन लव. कि अगर हम डांस करते हैं उससे हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है और हम एक दूसरे के करीब आते हैं, वी फॉल इन लव. नाउ मिसेस बेनेट थिंक दैट शी ओनली विशेज हर डॉटर टू बी वेल सेटल्ड. अब वो चाहती है कि उसके जो डॉटर्स हैं बस वो वेल सेटल्ड हो जाए. तो शुरू से लेके थर्ड चैप्टर तक उसके दिमाग में यही चल रहा है अभी तक कि मेरी जो डॉटर्स हैं वो सेटल हो जाए. ठीक है, और वो कहती है कि अगर एक डॉटर मेरी अच्छी मैरिड हो जाएगी तो बाकी भी उसके साथ अच्छे सेटल डाउन हो जाएंगे. ठीक है, तो मिस्टर जो बिंगले होते हैं वो कहाँ पर, लॉन्गबोर्न में अराइव होते हैं एंड इज इन्वाइटेड टू डिनर विच इज डिक्लाइंड. ही मस्ट डिपार्ट फॉर लंडन टू कलेक्ट हिज फ्रेंड फॉर द बॉल. अब उसको वो डिक्लाइन इसलिए कर देता है क्योंकि उससे लंदन जाना होता है अपने फ्रेंड्स को लेके आने के लिए, बॉल के लिए. ठीक है, वेन हिज पार्टी एंटर द असेंबली इट कंसिस्ट ऑफ टू फैशनेबल सिस्टर्स. अब कौन कौन एंटर होता है बॉल असेंबली में, टू फैशनेबल सिस्टर्स, हस्बैंड ऑफ द एल्डर सिस्टर और यंग मैन मिस्टर डार्सी. अब मिस्टर डार्सी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है क्योंकि ही इज द अगेन द इम्पोर्टेंट करेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है वो है. डार्सी टुक टू द लाइमलाइट. अब जब वो आता है तो सभी उनको उसको देखने लग जाते हैं बट लेटर ऑन सभी उसे नापसंद करने लग जाते हैं बिकॉज उसका जो एटीट्यूड होता है वो थोड़ा सा एरोगेंट सा होता है. ठीक है, अब दो मेन करेक्टर हैं जो वो इन कंट्रास्ट में दिखाए गए हैं. कौन से दो करेक्टर्स हैं, बिंगले और डार्सी. ऑन वन हैंड मिस्टर बिंगले वॉज लाइवली एंड एमिएबल. ठीक है, जो बिंगले थे वो एमिएबल और लाइवली थे, मिलनसार थे. ठीक है, और दूसरा जो था डार्सी वो जो था थोड़ा सा एरोगेंट था और जब उसको बोला जाता है कि आप एलिजाबेथ के साथ डांस कर लो तो वो रिफ्यूज कर देता है, यह कह के कि वो अट्रैक्टिव नहीं है. अब ये बात जो होती है वो एलिजाबेथ सुन लेती है. शी ओवरहियर्स हिज कमेंट एंड फेल्ट ऑफेंडेड. और उसको बहुत ही बुरा लगता है तो उससे उसकी जो प्रेजुडाइसेस है वो शुरू हो जाती है. She tells Bingley that she was only tolerable and not handsome enough to tempt him. Her Mrs. Bingley is the first to openly detest him. A fourth chapter आ गया. Here we are informed that Jane is attracted to Mr. Bingley. She reveals this to Elizabeth. अब वो क्या है, वो जो incident जहां पर वो ball का incident हुआ तो वहां पर जो जेन और बिंगले थे वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टेड हो गए और जो जेन थी वो ये बात किसको बताती है, अपनी बहन को एलिजाबेथ. शी प्रेजेस बाय कॉलिंग हिम अ यंग मैन ऑट टू बी सेंसिबल गुड ह्यूमर लाइवली हैप्पी मैनर परफेक्ट गुड ब्रीडिंग. तो इससे हमें किसका करेक्टर स्केच पता लगता है, मिस्टर बिंगले का. शी इवन प्रेजेस अब एक्सप्रेसेस हर सरप्राइज. अब वो उसको बड़ा ही एस्टोनिशमेंट होता है, सरप्राइज होता है कि बिंगले ने उसको दो बार डांस करने के लिए बुलाया. ठीक है, अब जो एलिजाबेथ होती है वो उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती या सरप्राइज नहीं होती क्योंकि उसको लगता है कि वो इतनी अच्छी है कि उसको बाकी लोग भी अच्छे लगते हैं. ठीक है, और वो बोलती है कॉम्प्लीमेंट्स ऑलवेज टेक यू बाय सरप्राइज एंड मी नेवर. और मुझे नहीं कभी कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगे, तुम्हें हमेशा ही अच्छे लगते हैं. एलिजाबेथ थिंक्स इट्स टू एप्ट नेवर फाइंडिंग फॉल्ट एंड बीइंग ऑनेस्ट. तो उसको लगता है कि जेन जो है ऑनेस्ट है और कभी किसी पे फॉल्ट नहीं देखती. द बिंगली सिस्टर्स वर एग्रीएबल व्हेन दे चूज टू बी well educated with a fortune of 20,000 pound, not proud, it was acquired by trade. Bingley and Darcy are steadily friends despite their differences in character. Bingley relied on his judgment. Darcy was clever. वो जो Darcy है वो थोड़ा थोड़ा सा clever है, haughty, arrogant, reserved, fastidious and his manners though well bred were not inviting. अब इसके जो करेक्टर स्केच है इसके बारे में पता लगता है कि डार्सी किस टाइप की पर्सनालिटी है. बिंगले सॉ एवरीवन एट मेरिटन असेंबली एज प्लेजेंट एंड अटेंटिव एंड द गर्ल्स प्रिटी.
बट डार्सी, जो दोनों के जो सोचने का नजरिया है वो भी डिफरेंट है, बट जो डार्सी था सॉ द ऑपोजिट एंड हैड नो इंटरेस्ट इन देम. ही एक्नॉलेज मिसेस बीनेट टू बी प्रिटी बट स्माइल टू मच. उसको लगता था कि वो प्रिटी है बट वो बहुत ज्यादा स्माइल करती है. बिंगले सिस्टर एग्रीड एंड प्रोनाउंस जेम्स एज अ स्वीट गर्ल. वो जो उसकी सिस्टर्स होती हैं बिंगले की, वो भी एग्री करती हैं डार्सी के ऊपर, बट वो ये बोलती हैं कि जो जेम थी वो बहुत ही प्यारी सी लड़की है. ठीक है, अब चैप्टर 5 आता है. सर विलियम लुकास बीनर्स नेबर. अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए बीनर्स के नेबर का नाम क्या था, तो लुकास थी. The elder sister, Charlotte, अब एक न्यू करेक्टर आ गया Charlotte, was Elizabeth particular friend. उसकी एक फ्रेंड थी, ठीक है, और वो 27 years की थी और अभी तक उसकी मैरिज नहीं हुई थी. ठीक है, तो Elizabeth और Charlotte थे, वो दोनों बॉल के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो Bingley was overheard to say that Jane was beyond a doubt the prettiest woman in the room. अब जो वो चार्लेट होती है वो Bingley की बात को सुन लेती है कि उसको जेन में इंटरेस्ट है. ठीक है, देन शी wants Lizzie नॉट टू डांस विद हिम. She says that I believe, ma'am, I may safely promise you never to dance with him. Now, Charlotte is okay with his pride as she opines. उसको लगता है कि वो प्राइड है तो ठीक है. क्यों? क्योंकि उसका जो स्टेटस है वो उसको प्राइड होने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. वो प्राइड इसलिए है क्योंकि उसका स्टेटस है. ठीक है, बट जो Elizabeth होती है उसको ये नहीं समझ में आता और वो बोलती है आई कुड इजिली फॉरगिव हिज प्राइड इफ ही हैड नॉट मॉर्टिफाइड मी. अगर उसने मुझे गलत ना बोला होता तो मुझे उसकी प्राइड से कोई लेना देना नहीं था. Mary Bennet believes pride a common feeling, but vanity and pride are different, though the words are interchangeable. A person may be proud without being vain. Pride relates more to our opinion of ourselves. Vanity, what we have others think of. Now comes the next chapter, 6. The Lady of Langbourne visits Netherfield. The Bingley sisters thought Jane's manner was pleasing, पर अब वो जो है Bingley sister है अब उसको सिर्फ Jane पसंद आ रही है. ठीक है, उनको लग रहा है कि जो Jane है वो अच्छी है. ठीक है, and her mother is not tolerable. ठीक है, और उसकी जो sisters है उनसे बात करने के लायक भी नहीं है वो. ठीक है, Elizabeth saw superficialness in their treatment of everybody. She felt that Jane was yielding to a preference to Bingley, though she regarded it from the suspicion of the impertinent. Charlotte felt it a disadvantage to be guarded. In 9 cases out of 10, a woman had better show more affection than she felt. Bingley liked Jane, but he may never do more if she do not help him. Happiness in marriage is entirely a matter of chance. अब ये important quotation है, ये आप jot down कर लीजिए. If the disposition of the parties are ever so well known to each other or ever so similar beforehand, it does not advance their felicity in the last. पहले जो था डार्सी जो था वो क्रिटिकल था Elizabeth को लेकर, बट लेटर ऑन वो उसके साथ अट्रैक्ट होने लग गया. ठीक है, बट Elizabeth को इसके बारे में पता नहीं था. ठीक है, शी नोटिसिंग हिम ज्वाइनिंग टू हर कन्वर्सेशन एज इट पजल. अब वो देख रही है कि वो जो है वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है, बट वो हैरान है कि ये तो मुझे पसंद नहीं करता, फिर मेरे पास क्यों आ रहा है. He was very satirical eyes, and if she does not begin by being imperative, she will grow afraid of him. Mr. Darcy passes the evening in silent indignation until Sir William Lucas asks him to dance with Elizabeth. Elizabeth claims no inclination to dance. She is not willing to dance. Mr. Darcy is all politeness. She leaves. Mr. Darcy reveals to Caroline Bingley astonishment that Elizabeth Bennet has fine eyes and a pretty face. अब वो क्या कर रहा है, डार्सी जो है वो कैरोलिन को अपने दिल की बात बता रहा है और बता रहा है कि जो Elizabeth है वो अट्रैक्टिव है एंड वो एक्सपेक्ट करता है कि वो भी अच्छा रिस्पॉन्स दे.
अब वो वहां पर एक कोटेशन आती है जो इम्पोर्टेंट है अगेन. अ लेडीज इमेजिनेशन इज वेरी रैपिड, इट जंप्स फ्रॉम एडमिरेशन टू लव, फ्रॉम लव टू मैट्रिमनी इन अ मोमेंट. नाउ चैप्टर 7, लॉन्गवुड्स एस्टेट्स अर्न 2000 अ ईयर. ठीक है, वो जो एस्टेट था वो 2000 अ ईयर करता था, बट अनफॉर्चुनेटली एंटेल्ड बाय डिफॉल्ट टू द मेन हेयर मिस्टर कॉलिन, अ डिस्टेंस कजन. ठीक है, अब ये जो सारे प्रॉपर्टी थी ये किसके पास जानी थी, मिस्टर कॉलिन के पास. कैथरीन एंड लीडा लर्न फ्रॉम देयर आंट मिसेस फिलिप दैट अ मिलिट्री रेजिमेंट हैज अराइव्ड इन द नेबरहुड फॉर द विंटर. नाउ दे कुड टॉक ऑफ नथिंग बट ऑफिसर्स. Miss Binet depart on horseback to dine at Netherfield, even though it looks like rain. अब वो चली जाती है वहां से, although raining होने वाली होती है. The next morning they learn that Jan is ill. जो जेन होती है वो उसको पता होता है कि रेन होने वाली है, फिर भी वो वहां से चली जाती है. तो रास्ते में वो भीग जाती है बहुत बुरी तरह से और वो बीमार हो जाती है. अब मिस्टर बीनर जो होते हैं उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ को डांटने लग जाते हैं कि इन सबकी जिम्मेदार तुम हो. ठीक है, मिसेस बीनर डज नॉट बिलीव दैट एनीवन कैन डाई ऑफ अ लिटिल ट्रिफलिंग कोल्ड. एलिजाबेथ डिसाइड टू विजिट जेन. अब जेन जो होती है वहां पर रह जाती है बिंगले के घर, तो एलिजाबेथ सोचती है कि मैं उसको जाकर मिलूंगी. ठीक है, एंड शी ट्रेवल्स ऑन फुट, और वो पैदल ही चल पड़ती है. ऑल्दो ये रास्ता बहुत लंबा होता है बट उसको कोई फिक्र नहीं होती. शी सेज, उसके एक कोटेशन है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द डिस्टेंस इज नथिंग व्हेन वन हैज अ मोटिव ओनली 3 miles. अब ये मोटिव हमें भी रखना है, तो हमें भी एग्जाम्स के लिए ऐसे ही तैयारी करनी है. एलिजाबेथ अराइव फाइंडिंग हर सेल्फ विद वेरी एंकल्स, dirty stocking and a face glowing with warmth of exercise. Elizabeth feels the Bingley sisters look down on her for it. अभी उसकी जो हालत है वो बहुत ही pathetic है और जो Bingley sisters हैं वो उसको देख के उनको good feel नहीं होता. Mr. Darcy said very little but admired the brilliance of her complexion from the exercise. Jane is delighted to see her sister even though she has a violent cold. At 3, Elizabeth felt she must leave for home, but is convinced to stay by Jane and Miss Bingley's offer. Chapter 8. Elizabeth dines at Netherfield with Bingley and Darcy. Her host inquire about Jane, but from Mr. Bingley, the sister's shallow concern confirmed Elizabeth's dislike of him. The moment Elizabeth returned to Jane, Miss Bingley began abusing her. She comments, her manners were pronounced to be very bad indeed, a mixture of pride and impertinence. She had no conversation, no style, no taste, no beauty. अब वो जो मिस बिंगले होती है वो एलिजाबेथ को अच्छा नहीं मानती और उसके बारे में बुरा भला बोलने लगती है. Now Bingley did not notice. Caroline thinks her walking the distance along reveal a conceited independence. Bingley disagreed. Caroline asked Mr. Darcy if this adventure was affecting his admiration of her fine eyes. Not at all, he replied. They were brightened by the exercise. Lucia has a regard for Jane and wishes her well settled, even though her chance as a slip because of her low connection of an uncle in Meryton is an acronym and another in cheap set. Darcy agrees that it will lessen their chance of marrying any man of consideration in the world. Elizabeth rejoins the party who invite her to playing card. She declines to read a book. Caroline shied her pronouncing to all. She despises card and is a great pleasure, no pleasure in anything. अब जो बिंगले की जो ऑफर होती है, हर यूज द हिज बुक बट अपोलोजाइज फॉर द सिलेक्शन. शी वॉन्ट चार्ल्स टू बिल्ड अ हाउस एज नोबल एज पैम्बर्ली. बिंगले इज अमेज्ड दैट यंग लेडी हैव द पेशेंस टू बी अकम्प्लिश्ड. कैरोलिन डज नॉट थिंक ऑल लेडीज अकम्प्लिश्ड. मिस्टर डार्सी एग्री, ही डजंट नो हाफ अ डजन लेडीज आर रियली अकम्प्लिश्ड. ये उनकी बस जनरल सी कन्वर्सेशन है.
जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, एलिजाबेथ स्टेज विद जेन इन हर रूम। मिसेस बेनेट इज सेंट फॉर टू गिव हर ओपिनियन ऑफ जेन्स कंडीशन। शी अराइव विद किटी एंड लाइडिया। She is not alarmed by the congruence of the advantage of Jane staying as long as she can. She tells Bingley she is too ill to be moved. वो बताती है कि मैं इतनी ज्यादा बीमार हूँ कि मैं मूव नहीं कर पा रही। She compliments Bingley on Netherfield and hopes he will not leave soon. He assured her he is quite fixed. Elizabeth guessed as much as Bingley's compliment on her perception of personality. She revealed that she is a stupider of the character. Darcy thinks there are few subjects for such study in the country. Vivek general se conversations hai, sorry chal rahi hai, isme kuch bhi important batane wala nahi hai. ये सारी उनकी जो रीडिंग कन्वर्सेशन है, पोइट्री है, उसके बारे में डिस्कशंस हो रही हैं। बिंगले ऑफर फॉर देम टू नेम अदर डे। बिनेट डिपार्चर अलाउड लीजी टू विजिट जेन एंड लीव द टू लेडीज टू रिमार्क ऑन हर रिलेशनशिप बैड बिहेवियर दो दे डिड नॉट सक्सेस इन गेटिंग डार्सी टू ज्वाइन इन। Now last chapter, 10th chapter, but this is not the last chapter, but we will be winding up our video on this chapter, ठीक है। बाकी के जो chapters हैं वो मैं आपको line by line बताती जाऊंगी। Jane is slowly on the mend. Elizabeth joined the party in the drawing room where she finds Mr. Darcy writing a letter and observed and coached by Miss Bingley. Elizabeth took up her needlework. अब Elizabeth वो तो लेटर लिख रहा होता है तो Elizabeth क्या करती है, अपनी needlework करने लगती है। तो Caroline जो करती है वो उसको praise करने लगती है, किसको, Darcy को, कि उसकी जो writing ability है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। He begs off that she has no more room, though the letter is long. मतलब interrupt मत करो कि मैंने बहुत लंबी letter लिखनी है। Then a conversation starts between between them and Bingley, and says that there is nothing worse than being with Mr. Darcy on Sunday night. मतलब वो बता रहे हैं कि वो कितना boring है और संडे हमारी जो night है वो खराब हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। Later he asked Miss Bingley and Elizabeth to play the piano. Elizabeth observed Darcy watching her. Now the two are attracted. Elizabeth यहाँ पर attract हो जाती है Darcy के प्रति, ठीक है, क्योंकि वो उसको watch करती है, वो कितने ध्यान से अपना काम कर रहा है। तो Caroline ये भी notice कर लेती है कि Darcy जो है attract हो रहा है Elizabeth की तरफ, पर वो ये उसको remind करवाती है कि उसकी जो family है that is not good enough और उसकी बहुत सारी shortcoming होती है। She inquires will he be able to make his mother-in-law होल्ड हर टंग। मतलब उसकी जो मिसेस बीनेट है क्या उसको चुप करा पाएगी, और उसकी जो यंगर सिस्टर्स हैं वो जो दूसरों के पीछे भागती रहती हैं क्या उनको भी वो कर पाएगी। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है ना, जहां पर वो सारा इसके बारे में बात करती रहती है। ये जो 11th चैप्टर है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल।